Welcome to St. Wilfred YouTube channel. Myself Deepmala Shikhawat, Assistant Professor of Department of Chemistry. Today I deliver my lecture on mechanism of organic reactions. Before we start this topic, we come to the topic, what is the organic reaction? So in organic reactions, what happen in reactant convert into product? It means like हम कहें कि A जो और B जो है वो reactant है और ये B C and D में convert हो रहे हैं. तो होता क्या है कि A और B के अंदर जो bond already present हैं, it means हम ये कहें कि इनके अंदर जो bond हैं वो break होते हैं और नया bond बनते हैं. तो bond breaking और bond making के अंदर हम समझाएं कि तो इसके बारे में हम बताना पड़ेगा कि ये बॉन्ड टूटते कैसे हैं. तो बॉन्ड टूटने के दो प्रोसेस होते हैं. तो टाइप्स ऑफ क्लीवेज के हम बात करें कि बॉन्ड टूटता कैसे है. तो फर्स्ट टाइप इज होमोलाइटिक क्लीवेज एंड सेकंड इज हेटरोलाइटिक क्लीवेज. होमोलाइटिक क्लीवेज में क्या होता है, जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कोई बॉन्ड हमारा ए और बी है, ए और बी के अंदर बॉन्ड दोनों के अंदर कोवलेंट बॉन्ड है, तो दोनों की बॉन्ड शेयरिंग से यहाँ पे बॉन्ड बना हुआ है. अब क्या होता है जब होमोलाइटिक क्लीवेज के अंदर ये जो बॉन्ड है जिस जो कि इलेक्ट्रॉन से शेयर है, ये दोनों बॉन्ड पार्शियली जो बॉन्ड टूट जाते हैं, फुली टूट जाते हैं और दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन के पास चला जाता है और ये जो बनता है बना ए फ्री रेडिकल और बी फ्री रेडिकल. ये जो फ्री रेडिकल हैं दे आर इंटरमीडिएट, इन्हें ये इंटरमीडिएट के रूप में फिर काम करते हैं. अब ये जो फ्री रेडिकल है, ये फ्री रेडिकल क्या हुआ, इस पर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो ये हाईली एक्टिवेट होते हैं. दूसरे टाइप का क्लीवेज होता है हेटरोलाइटिक क्लीवेज. हेटरोलाइटिक क्लीवेज जैसे हम बात करें ए और बी एक बॉन्ड है, ठीक है, इस ए और बी बॉन्ड के अंदर ये डिपेंड करेगा कि इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है. जैसे हम बात करें कि सपोज़ हमारे यहाँ पर बी की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये जो बॉन्ड है इसके अंदर पूरा बॉन्ड चला जाता है कहाँ पर, यानी बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन बॉन्ड चला जाता है, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं. ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं, बी के पास चले जाते हैं. तो बी पर आ गया नेगेटिव चार्ज और ए पर आ गया पॉजिटिव चार्ज. इसी तरह हम बात करें कि सपोज कीजिए यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा हो, तो हम तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, ए की तरफ ज़्यादा. तो उस कंडीशन में यहाँ पर ए पे आएगा नेगेटिव चार्ज और बी पे आएगा पॉजिटिव चार्ज. तो इस प्रक्रिया के दौरान यहाँ बनता है आयंस. अब दूसरी बात करें, जैसे हमने बताया आपको फ्री रेडिकल फॉर्म के अंदर यहाँ पे मैंने हाफ एरो बनाया और एक फुल एरो बनाया, तो हाफ एरो के थ्रू इसका मतलब क्या होता है कि हाफ एरो के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर, दोनों जो बॉन्ड दोनों जो कम एटम्स हैं उनके बीच में जो शेयरिंग हो रही थी इलेक्ट्रॉन की, वो दोनों एटम के पास अपनी चली गई है. तो ये दोनों फ्री रेडिकल बनाते हैं. अब हम बात करें फ्री रेडिकल की, कार्बन फ्री रेडिकल की बात करते हैं हम लोग. तो देखिए यहाँ कार्बन का जो फ्री रेडिकल है, इट मीन्स कार्बन को पता है का कि यहाँ पे कार्बन ने कितने बॉन्ड बना लिए, तीन बॉन्ड बना लिए, यानी कि हम ये कहेंगे sp2 हाइब्रिड है. और एक जो p ऑर्बिटल जो pz ऑर्बिटल है वो यहाँ पे क्या हुआ, उसके पास क्या हुआ, पार्शियली बॉन्ड टूटा है तो इसके पास है कि फ्री रेडिकल के फॉर्म में ये इलेक्ट्रॉन इसके पास है. और इनका बॉन्ड एंगल sp2 हाइब्रिड और 120 इनका बॉन्ड एंगल होता है. और इसकी स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये कौन सी स्ट्रक्चर हो गई, ट्राइंगुलर प्लेनर. साथ में देखिए, अब देखो यहाँ पे इसके पास सात ही इलेक्ट्रॉन हैं, तो इट मीन्स ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको आठ इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है. इट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है. इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के कारण अगर कोई ऐसे ग्रुप ऐसे एटम इसके साथ जुड़े हुए हों या कोई ऐसे ग्रुप इसके साथ जुड़े हुए हों जो इसको इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको बढ़ा देने वाले ग्रुप हों, तो वो क्या हो गया इसकी इसकी स्टेबिलिटी को इन्हेंस कर देते हैं, बढ़ा देते हैं. तो यहाँ हम दो ग्रुप के बारे में दो इफेक्ट के बारे में बात करें, एक होता है प्लस आई इफेक्ट और दूसरा हाइपर कंजूशन. आप प्लस आई इफेक्ट के बारे में बात करें तो आप देखिए प्लस आई इफेक्ट का मतलब हो गया कि यानी कि इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप, CH3 ग्रुप जो है वो होता है आपका इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप. ये इलेक्ट्रॉन जब इस कार्बन फ्री रेडिकल के पास आते हैं तो जो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो रहा था वो डेफिशिएंसी ख़त्म हो जाती है और इसकी जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ जाती है. तो सपोज़ कीजिए यहाँ पे दो ग्रुप ज़्यादा होंगे, तीन और ग्रुप अगर जुड़े हुए हैं तो वो इसकी स्टेबिलिटी को इन्हेंस कर देते हैं. तो इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर आता है 3 डिग्री 2 डिग्री. इट मीन्स अगर कार्बोकैटायन 3 डिग्री है, कार्बन फ्री रेडिकल 2 डिग्री है, कार्बन फ्री रेडिकल 1 डिग्री है और कार्बन फ्री रेडिकल CH3 है, तो CH3 की कंपैरेटिवली 3 डिग्री जो फ्री रेडिकल है वो ज़्यादा स्टेबल होता है. दूसरी बात, दूसरा इफेक्ट
हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट के अंदर बात करें हम लोग, तो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट होता है क्या एक्चुअली, कि हाइपर कंजुगेशन कौन देता है, ये देता है बीटा हाइड्रोजन एटम, बीटा हाइड्रोजन एटम। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, सपोज CH3 CH2 ये हमारा फ्री रेडिकल है। अब फ्री रेडिकल का ये जो इस कार्बन के पास वाला जो कार्बन है, उस कार्बन पर प्रेजेंट जो हाइड्रोजन होते हैं दे आर कॉल्ड बीटा हाइड्रोजन। तो ये जो बीटा हाइड्रोजन है ये हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट के कारण ये मोर देन वन स्ट्रक्चर, या हम कहें कि जिस सपोज ये CH3 ग्रुप है, ये CH3 ग्रुप तीन से ज़्यादा, तीन तो कार ये बनाता है प्लस वन, इट मीन्स नम प्लस थ्री प्लस वन, ये अपनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके इफेक्ट इसकी स्टेबिलिटी को इन्हेंस कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो प्लस आई इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, ये दोनों इफेक्ट जो हैं वो कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को इन्हेंस कर देते हैं। तो ये तो हो गया हमारा होमोलाइटिक क्लीवेज। दूसरा आता है आपका हेटरोलाइटिक क्लीवेज। हेटरोलाइटिक क्लीवेज में हमने कहा कि कार्बो कैटायन या कार्बो एनायन बनाते हैं, या इट मीन्स एनायन फॉर्म होता है। तो कार्बो कैटायन में क्या था, ये कार्बो कैटायन बनता कब है, जब कार्बन के साथ ऐसा कोई ग्रुप जुड़ा हुआ हो जिसकी स्टेबिलिटी, जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन की कंपैरेटिवली ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन कि जो बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उधर शिफ्ट हो जाते हैं और कार्बन पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब देखिए यहाँ पे हमारा इसका जो हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे, तो हमारे हाइब्रिडाइजेशन होता है इसका sp2, जैसे वहाँ हमने भी sp2 की बात करी थी, और इसकी स्ट्रक्चर भी ट्राइंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर जाती है। देन हम बात करें, अब देखिए यहाँ पे क्योंकि इलेक्ट्रॉन चला गया हमारा कहाँ पे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कंपाउंड पर, तो यहाँ पे जो पी ऑर्बिटल है, pz ऑर्बिटल है, वो क्या रह जाता है, वैकेंट रह जाता है। इट मीन्स इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, तो यही बात हम जो हमने कार्बन फ्री रेडिकल समझाया था कि अगर इसके साथ कोई ऐसे ग्रुप जुड़े हुए हों जो प्लस आई इफेक्ट होने वाले हों, प्लस आई इफेक्ट देने वाले हों, या फिर वो हाइपर कंजुगेशन शो करने वाले ग्रुप हों, तो इसकी स्टेबिलिटी को वो इन्हेंस कर देते हैं। दूसरी बात करते हैं हम लोग कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन कब बनता है, जब कार्बन के साथ जो ग्रुप जुड़ा हुआ है उसकी स्टेबिलिटी कम है, उसकी स्टेबिलिटी कम है, या हम कहें उसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है, तो कार्बन के जो बॉन्ड हैं वो शिफ्ट हो जाते हैं कहाँ पे, कार्बन के पास। तो ये बन गया कार्बोकेटाइन। अब कार्बन के पास क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर बन गया। तो हम बात करेंगे, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, और इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है वह एज ए लोन पेयर के रूप में रहने लगते हैं, और तो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो किसकी तरह हो गई, NH3 की तरह, हम कहेंगे अमोनिया जैसे स्ट्रक्चर होता है, हो जाता है। तो हम ये कह रहे हैं कि इसकी जो स्ट्रक्चर है अमोनिया की तरह हो गई, और ये कैसे स्ट्रक्चर बना लेता है, पिरामिडियल स्ट्रक्चर बनाता है। तो ये था हमारा बेसिक नॉलेज ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन के अंदर। अब हम बात करें कि क्योंकि हम जानते हैं किसी भी रिएक्शन के अंदर, कोई भी जो रिएक्शंस हैं जो कंप्लीट होते हैं वो होता कैसे है, कि हम देखते हैं कि सपोज ए एंड बी ये क्या है, रिएजेंट है, इन रिएजेंट ये हमारे क्या हो गए, रिएजेंट। अब रिएजेंट के भी दो पार्ट होते हैं, रिएजेंट के भी टू पार्ट होते हैं, एक तो होता है उसके अंदर सबस्ट्रेट, एक होता है सबस्ट्रेट, और दूसरा होता है उसके अंदर रिएजेंट। तो ये जो रिएजेंट क्या है, तो रिएजेंट होते हैं टू टाइप के, हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिएजेंट की। तो रिएजेंट होते हैं हमारे टू टाइप्स के, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल जैसे नाम से ही लग रहा है आपको, इट मीन्स न्यूक्लियो, इट मीन्स नाभिक, नाभिक, और फिलिक मीन्स स्नेह, नाभिक के प्रति स्नेही, यानी हम क्या कहेंगे कि ये क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज हो गए, और कंटेन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखते हैं ये अपने पास, और अटैक कहाँ करेंगे, क्योंकि खुद नेगेटिव चार्ज हैं तो अटैक किस पे करेंगे, पॉजिटिव सेंटर पे अटैक करते हैं। कौन कौन हो सकते हैं न्यूक्लियोफाइल, अब आपको बताएं, हमने कहा नेगेटिवली चार्ज, जैसे OH है, OR है, HSO3 है, ये क्या हो गए आपके नेगेटिवली चार्ज। इसके अलावा जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन रख सकते हैं, हमारा वाटर हो गया, वाटर के पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अल्कोहल है, अल्कोहल के पास भी क्या है आपका, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। दूसरी बात करें, ये हो गया हमारा ईथर। तो ये सारे जो
कंपाउंड है, एक सारे जो ग्रुप्स हैं दे आर न्यूक्लियोफाइल। दूसरी बात करें इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल इट मीन्स इलेक्ट्रॉन के प्रति स्नेह रखने वाला, इलेक्ट्रोफिलिक, फिलिक मीन्स अफेक्शन, इलेक्ट्रॉन के प्रति अफेक्शन। नाउ वी डिस्कस कि इलेक्ट्रोफाइल में होता क्या है, होता क्या है कि ये होते हैं पॉजिटिवली चार्ज, जैसे न्यूक्लियोफाइल नेगेटिवली चार्ज थे, ये होते हैं पॉजिटिवली चार्ज, और होते कौन है ये लुइस एसिड। जनरली लुइस जो एसिड है वो हमारे होते हैं इलेक्ट्रोफाइल, क्यों, क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। लाइक जैसे हम बात करें आपके AlCl3 है, BF3 है, FeCl3 है, इन सब का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। अब एग्जांपल दे रहे हैं H3O+, OH2+, NO2+, Cl+, तो ये सारे आपके जो ग्रुप्स हैं वो सभी इलेक्ट्रोफाइल के रूप में कार्य करते हैं। तो हमने क्या बताया आपको, हमने कहा कि कोई भी जो रिएक्शंस हैं वो जो होती है उसके अंदर दो पार्ट हुए हमारे, एक तो सबस्ट्रेट और दूसरा रिएजेंट। तो हमने दोनों के बारे में डिस्कस किया अभी, ये हमारे हो गए रिएजेंट, ये हो गया हमारा सबस्ट्रेट। नाउ वी डिस्कस टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। टाइप ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बेसिकली रिएक्शंस होती हैं चार टाइप की। फर्स्ट रिएक्शन होती है एडिशन, देन सेकंड इज एलिमिनेशन, थर्ड इज सब्स्टिट्यूशन, एंड फोर्थ वन इज रीअरेंजमेंट रिएक्शन। नाउ फर्स्ट वी डिस्कस ऑन एडिशन रिएक्शंस। एडिशन रिएक्शंस ऑल्सो थ्री टाइप्स, व्हाट इज दिस, लाइक फर्स्ट इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, जैसे हमने पीछे पढ़ा रिएजेंट के अकॉर्डिंग, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एंड थर्ड वन इज फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे हमने बहुत सी रिएक्शन देखी हैं, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हैलोजिनेशन, लाइक हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोहैलोजिनेशन, जैसे मैं एक आपको समझा देती हूँ, हाइड्रोहैलोजिनेशन। हाइड्रोहैलोजिनेशन में क्या होता है, ये हमने कहा कि एडिशन रिएक्शन है तो ये स्टेप दो में कंप्लीट होती है, टू स्टेप प्रोसेस है ये। इन फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, कार्बोकैटायन बनता है, और सेकंड स्टेप में ये जो कार्बोकैटायन बनता है इस पर न्यूक्लियो इलेक्ट्रोफाइल फिर अटैक करता है। जिसे हम देख रहे हैं फर्स्ट स्टेप जो हमारा है, जिसे मान लीजिए ये हमारा है प्रोपीन, वन प्रोपीन है। अब ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कहाँ हो गए, CH2 पे, देन HBr है हमारा एक अदर रिएजेंट है, तो इसमें ये Br, क्योंकि आप जानते हो Br की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट इधर हो गए, यहाँ पे क्या बना ये आपका, ये हमारा बन गया पॉजिटिव सेंटर, तो इसने ये यहाँ Br यहाँ पे अटैक करेगा, और ये पॉजिटिव सेंटर है वो हमारा आ गया, क्योंकि बिकॉज यहाँ पे क्या आया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन शिफ्ट इधर हो गए, तो ये हमारा क्या बन गया पहले कार्बोकैटायन। तो फर्स्ट स्टेप में हमारा क्या बना कार्बोकैटायन, दूसरे स्टेप में ये जो कार्बोकैटायन बना था इस कार्बोकैटायन पर अब कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कौन है हमारे, हमारे इलेक्ट्रोफाइल कौन है इसमें Br, तो ये Br इस पर अटैक करता है और हमारा ये प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। इसमें क्या हुआ, आप देख रहे हो एडिशन रिएक्शन, नाम से लग रहा है एडिशन, यानी कि पूरी की पूरा मॉलिक्यूल जुड़ गया उसमें। आप देख रहे थे HBr हमारा मॉलिक्यूल है, वो पूरा मॉलिक्यूल हमारे प्रोपीन के अंदर पूरी तरह से ऐड हो गया, तो ये कहलाता है आपका एडिशन रिएक्शन। और एडिशन में कौन सा एडिशन हुआ पहले, ये हमारा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। दूसरी बात करें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल हम देते हैं, ये हमारा CH3CH3C11O, इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारा है एसीटोन। एसीटोन पर हमने HCN से रिएक्शन करवा रहे हैं हम लोग, HCN क्या है हाइड्रोजन साइनाइड, तो इसकी रिएक्शन हमने रिएक्शन करवाई, तो आप जानते हो CN क्या है, CN की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाइड्रोजन की कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा है, तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह यहाँ अटैक कर रहा है। तो आप देखिए वही बात, ये स्टेप भी जो है दो प्रोसेस में कंप्लीट होगा, फर्स्ट स्टेप में क्या बनेगा कार्बोकैटायन बनता है। अब देखो यहाँ पे, आप देख रहे हो यहाँ पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कहाँ हो गया ऑक्सीजन पर, और यहाँ पे ये हाइड्रोजन है इस बिकॉज CN की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है, तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ जुड़कर यहाँ पे क्या बन गया कार्बोकैटायन। अब इस कार्बोकैटायन पे कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कौन सा है हमारा CN है, तो ये जो CN है अब अटैक करता है हमारे कार्बोकैटायन पे, और इस प्रकार हमारा ये बन जाता है क्या, हमारा
प्रोडक्ट बन जाता है, दैट इज साइनोहाइड्रिन। नेक्स्ट बात करते हैं एडिशन रिएक्शन का, जो थर्ड टाइप है इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, थर्ड वन इज फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। जो फ्री रेडिकल एडिशन जो है, फ्री रेडिकल जो एडिशन है, इट इज़ ए थ्री स्टेप प्रोसेस। इसमें क्या होता है, इन फर्स्ट स्टेप, ये थ्री स्टेप प्रोसेस है। फर्स्ट स्टेप इज चैन इनिशिएशन स्टेप। जैसे इसी की बात करें हम लोग, हमने देखा इलेक्ट्रोफाइल एडिशन जो रिएक्शंस हैं उसमें वन प्रोपेन की रिएक्शन करवाई हमने HBr से, बट होता क्या है नेक्स्ट में, फ्री रेडिकल में क्या होता है, ये रिएक्शन होती है पराक्साइड के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस, पराक्साइड के प्रेजेंस में। तो पराक्साइड इसमें क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में ये जो चैन इनिशिएशन स्टेप जिसे हम कह रहे हैं, ये पराक्साइड आपका टूट जाता है। और ये हमें देखिए, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन, फ्री रेडिकल हम पहले बनाना सीख चुके हैं, तो ये बन जाता हमारा फ्री रेडिकल। इट मीन्स ये स्टेप हो गया हमारा चैन इनिशिएशन स्टेप। सेकेंड स्टेप होता है हमारा चैन प्रोपेगेशन स्टेप। चैन प्रोपेगेशन स्टेप में अब ये जो फ्री रेडिकल हमारा फर्स्ट स्टेप में बना था, ये फ्री रेडिकल हमारा, अब जो हमारे पास कंपाउंड है, कौन सा कंपाउंड बचा हमारे पास, HBr, इस पर अटैक करता है और हमें अनदर फ्री रेडिकल मिलता है इनिशिएशन में। इट मीन्स स्टार्ट, अब वो कंटिन्यू चलती रहेगी, प्रोपेगेशन में कंटिन्यू स्टार्टअप है रिएक्शन। तो फर्स्ट स्टेप में देखो R, ये फ्री रेडिकल हमारा बना था, ये HBr से रिएक्शन करके बनाते हैं ROH, देन Br। अब ये Br फ्री रेडिकल फिर वापस अटैक कर सकता है, क्या है हमारे पास दूसरा कंपाउंड, प्रोपीन। ये प्रोपीन पे अटैक करता है और ये हमें देता है फिर अनोदर फ्री रेडिकल, दैट इज 2° फ्री रेडिकल। ये फ्री रेडिकल फिर वापस HBr से फ्री रेडिकल, इस तरह ये रिएक्शन कंटिन्यू चलती रहती है, इसलिए हम इसको नाम दे रहे हैं चैन प्रोपेगेशन स्टेप। थर्ड वन दैट इज चैन टर्मिनेशन स्टेप। चैन टर्मिनेशन स्टेप में क्या होगा, इट मीन्स हमारी रिएक्शन अब रुक जाएगी। अब हमने जो पहले जितने भी हमारे फ्री रेडिकल फॉर्म हुए हैं, वो फ्री रेडिकल आपस में रिएक्शन करके न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। इट मीन्स अब हमारे पास रिएक्शन को आगे कैरी फॉरवर्ड करने के लिए कुछ प्रोवाइड नहीं होता। तो ये Br हो सकता है, Br H से रिएक्शन करके HBr बना दे, या फिर ये फ्री रेडिकल दूसरे फ्री रेडिकल के साथ पराक्साइड बना सकता है, हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन फ्री रेडिकल के साथ में रिएक्शन करके H2 बना सकता है, Br फ्री रेडिकल Br फ्री रेडिकल के साथ में रिएक्शन करके Br2 बना सकता है, ऐसे ही RO जो फ्री रेडिकल है एच फ्री रेडिकल के साथ में ROH। तो ये जो सारे स्टेप हैं हमारे हो गए चैन टर्मिनेशन स्टेप। इट मीन्स इससे हमारी क्या अभिक्रिया यहाँ रुक जाएगी। तो ये हमने पढ़े एडिशन रिएक्शन के टाइप्स। आगे हम देख रहे हैं एलिमिनेशन स्टेप, तो इसके लिए थोड़ा वो करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम इसको शो करते हैं। कम सेंट्रल फॉर यूट्यूब चैनल, माई सेल्फ दीपमाला शेखावत, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री, दिस इज़ माई वेलकम टू पार्ट सेकेंड। एक्चुअली पहले हम पढ़ चुके हैं एडिशन रिएक्शंस, इस टॉपिक में स्टार्ट करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शंस। तो एलिमिनेशन रिएक्शन जैसे नाम से लग रहा है, एलिमिनेशन, हिंदी में इसको एलिमिनेशन रिएक्शन को बोलते हैं, विलोपन, यानी कोई मॉलिक्यूल, छोटा मॉलिक्यूल विलोपित होता है। जैसे हम विलोप, अब हमारे पास जैसे ये कंपाउंड है, एक्चुअली इस रिएक्शन में क्या होता है, सैचुरेटेड कंपाउंड कन्वर्ट इंटू अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड क्या होता है, इट मीन सारे बॉन्ड क्या है, इसमें अनसैचुरेशन नहीं है, यानी सारे सिग्मा बॉन्ड हमारे पास प्रेजेंट है। तो विलोपन अभिक्रियाओं में दो सिग्मा बॉन्ड टूट रहे हैं और दो सिग्मा बॉन्ड टूटने के कारण एक नया बॉन्ड बन रहा है, दैट इज पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड इसमें ये, जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं कि ये हमारा एग्जाम्पल, जैसे ए और बी जो कंपाउंड है इसके साथ एक्स और वाई ग्रुप जुड़े हुए हैं, इन दोनों ये जो सिग्मा बॉन्ड यहाँ से टूटा और ये बना लेते हैं एक सेपरेट छोटा मॉलिक्यूल जो कि विलोपित हो रहा है और साथ में इसमें क्रिएट क्या हो रहा है, अनसैचुरेशन क्रिएट हो रहा है। तो ये होती है आपकी विलोपन, विलोपन अभिक्रियाओं में दो सिग्मा बॉन्ड टूटकर एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करें हम लोग, कि विलोपन अभिक्रियाओं की बात करें, तो विलोपन अभिक्रियाएं मेनली दो प्रकार की होती हैं, एक ईवन रिएक्शन और एक होता है E2 रिएक्शन। ईवन रिएक्शन जैसे नाम से है, एकाणुक विलोपन अभिक्रिया और दूसरी है द्विअणुक विलोपन अभिक्रिया। एकाणुक की बात करें, एकाणुक जो अभिक्रिया है, जैसे हम एग्जांपल दे रहे हैं यहाँ पे CH3CH2Cl या CH3CH2Br, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका अनसैचुरेशन डेवलप हुआ और आपके पास पाई बॉन्ड क्रिएट हुआ और साथ में एक छोटा मॉलिक्यूल विलोपित हुआ जो कि यहाँ पे HBr है। अब ये स्टेप टू स्टेप में प्रोसेस कंप्लीट होता है। फर्स्ट स्टेप में क्या बनता है, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। तो जैसे
दो स्टेप प्रोसेस, जो फर्स्ट स्टेप प्रोसेस जिसे हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं, और ये स्टेप एक स्लो स्टेप होता है. तो एग्जांपल जैसे हम लोग कहें CH3CH2Br जो हमारा है, ये स्लो स्टेप में एक प्रोसेस आएगा. तो फर्स्ट स्टेप में ये बनाता है आपका Br, अपना इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर हो गया, तो ये बन जाता है हमारा कार्बोकेटायन. सेकेंड स्टेप में इस कार्बोकेटायन पर, जैसे ही कार्बोकेटायन बनता है, फिर सेकेंड स्टेप हमारा फास्ट स्टेप होता है. ये जो कार्बोकेटायन है, इट कन्वर्ट, इसके पास ये जो यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन फिर लेकर H प्लस के रूप में सेपरेट, प्रोटॉन के रूप में सेपरेट हो गया, और इनके बीच में क्या डेवलप हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है. इट मीन्स अनसैचुरेशन कंपाउंड इसमें कन्वर्ट हो गया सैचुरेशन में. दो सिग्मा बॉन्ड टूटे. स्टेप इवन की बात करें, इवन स्टेप दो में कंप्लीट होता है. फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटायन बनता है, सेकेंड स्टेप में जो कि फास्ट स्टेप होता है, तो ये बना लेता है आपका प्रोटॉन लॉस करके आपके असंतृप्त कंपाउंड फॉर्म कर लेता है. रेट की बात करें कि ये जो अब देखो स्लो स्टेप है, दैट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. तो इस स्टेप के अंदर केवल कितने कंपाउंड है, हमारा केवल एक ही कंपाउंड है, एक ही यौगिक है. तो इट मीन्स रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में इस पर ही डिपेंड कर रहा है, इसलिए इस अभिक्रिया को बोलते हैं ईवन, यानी कि एकाणुक, एकाणुक अभिक्रिया, एकाणुक विलोपन अभिक्रिया. दूसरी बात कर रहे हैं हम लोग E2 रिएक्शन, इट मीन्स द्विअणुक विलोपन अभिक्रिया, जिस नाम से लग रहा है आपको. तो इसमें क्या होगा, यानी कि ये जो इसका रेट डिटरमाइनिंग जो स्टेप है, उसके अंदर दो अणु होने चाहिए. तो आप देखिए यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं, ये आपका कंपाउंड है CH3CH2 और CH2Br, इसको हम कहेंगे प्रोपिल ब्रोमाइड. प्रोपिल ब्रोमाइड की रिएक्शन करवा रहे हैं हम लोग KOH की प्रेजेंस में. तो क्या होता है, यहाँ पे विलोपन अभिक्रिया बात कर रहे हैं हम लोग. तो यहाँ पे ये दो अभिक्रियाएं, दो बॉन्ड टूट रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड और एक छोटा मॉलिक्यूल निकल रहा है, दैट इज HBr, और साथ में एक अनसैचुरेशन यहाँ पे क्रिएट हुआ. बट ये अभिक्रिया जो है वो वन स्टेप प्रोसेस है, एक स्टेप में कंप्लीट होता है. तो पहले स्टेप में जो न्यूक्लियोफाइल है, जो कि यहाँ पे KOH के रूप में प्रेजेंट है हमारे पास, तो OH हमारा एज ए न्यूक्लियोफाइल इसमें काम कर रहा है. तो ये न्यूक्लियोफाइल आपके कंपाउंड पर अटैक करता है. तो कंपाउंड पे अटैक करेगा, तो ये अटैक कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये हाइड्रोजन जो है प्रोटॉन के रूप में यहाँ से इससे जो न्यूक्लियोफाइल इस पर आक्रमण करता है, तो ये वाटर के रूप में सेपरेट हो गया. और साथ में ये Br, आप देख रहे हैं Br की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण ये Br अपने इलेक्ट्रॉन लेके Br ब्रोमाइड की फॉर्म में सेपरेट हो गया. अब ये बॉन्ड टूटा और एक ये बॉन्ड टूट गया यहाँ से, इट मीन्स दो सिग्मा बॉन्ड टूट रहे हैं. तो इसके फलस्वरूप यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे पाई बॉन्ड क्रिएट हो गया. इसके एग्जांपल लेते हैं हम लोग, तो हमारा जो कंपाउंड बनता है वो बनता है ये CH3CH CH2, ठीक है. तो यहाँ पे हमारा बना कंपाउंड. तो इट मीन्स आप देखो एक ही स्टेप में ये रिएक्शन कंप्लीट हो रही है. तो यहाँ पे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में एक ही स्टेप में, तो इट मीन्स कौन कौन किस किस पे डिपेंड कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड कर रहा है और आपका जो हैलाइड्स हैं उस पे डिपेंड कर रहा है. तो इट मीन्स E2 जो अभिक्रिया है, E2 जो विलोपन अभिक्रियाएं हैं, उसके अंदर दो अणु इसमें काम कर रहे हैं, इसलिए हम बोलते हैं इसको E2 विलोपन अभिक्रिया. तो ये हमारी अभिक्रिया है विलोपन अभिक्रिया. विलोपन जो अभिक्रियाएं हैं, आप देखिए विलोपन अभिक्रियाएं बिल्कुल एडिशन रिएक्शन की अपोजिट है. अगर मैं कहूँ कि इस अभिक्रिया को इस तरह चलाएं, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं इस अभिक्रिया को इधर चलाएं, तो इट मीन्स क्या हुआ, HBr का इसमें एडिशन हो गया पूरा. तो क्या बन गया, ये बन गया. तो एडिशन रिएक्शन विलोपन अभिक्रियाओं की बिल्कुल जस्ट अपोजिट रिएक्शंस हैं. तो इन्हें हम लोग कहते हैं एक दूसरे की अपोजिट अभिक्रियाएं भी कहते हैं. तो नेक्स्ट अभिक्रिया आती है हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. नेक्स्ट टाइप कौन सा हमारा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. अब देखो सब्स्टिट्यूशन, जैसे नाम से लग रहा है, सब्स्टिट्यूशन हिंदी का अर्थ होता है प्रतिस्थापन, यानी कि अपना प्लेस वो एक दूसरे के साथ में एक्सचेंज हो जाते हैं. अब प्रतिस्थापन है, तो प्रतिस्थापन की बात करें तो जैसे हमने पढ़े रेडिकल्स, तो फ्री रेडिकल प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं और इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं. पहले हम बात करें फ्री रेडिकल प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, यानी कि हमारे पास प्रतिस्थापन किसका होगा, प्रतिस्थापन होगा फ्री रेडिकल का. एग्जांपल हमने पीछे पढ़ा है फ्री रेडिकल को, फ्री रेडिकल में क्या था पिछले वीडियो में हमने देखा है फ्री रेडिकल.
तो फ्री रेडिकल जो रिएक्शंस हैं वो तीन स्टेप में कंप्लीट होती हैं. पहला जो स्टेप है वो होता है आपका चैन इनिशिएशन स्टेप. ठीक है, पहला स्टेप चैन इनिशिएशन यानी अभिक्रिया को स्टार्ट करने के लिए जो जो स्टेप होता है वो कहलाता है आपका चैन इनिशिएशन स्टेप. जैसे एग्जांपल हम आपके सामने एग्जांपल लिख लेते हैं यहाँ पे. जैसे मान लीजिए ये है मैथेन की अभिक्रिया हम लोग करवाते हैं Cl2 से. तो ये अभिक्रिया होती है एक तो HNO के प्रेजेंस में मीन सनलाइट की प्रेजेंस में, तो ये बन जाता है आपका CH3Cl और कंटिन्यू ये रिएक्शन चलती रहती है और लास्ट में आपका प्रोडक्ट बनता है CCl4. ठीक है, तो ये प्रोसेस के अब देखो इसमें बात करेंगे हम लोग. तो पहला स्टेप कौन सा हुआ, चैन इनिशिएशन स्टेप. तो हमारा ये क्या है Cl2 जो है वो HNO की प्रेजेंस में ब्रेक हो रहा है. और इसमें किस टाइप का ब्रेकिंग होता है जो पिछला वीडियो में हमने देखा, इसमें होता है हमारे होमोलाइटिक क्लीवेज. और होमोलाइटिक क्लीवेज के थ्रू क्या बनते हैं हमारे, ये बनते हैं फ्री रेडिकल. तो ये जो फ्री रेडिकल यहाँ फॉर्म हुए सेकंड स्टेप के अंदर चैन टर्मिनेशन स्टेप में, जिसे हम कह रहे हैं ये टर्मिनेशन स्टेप जो है, टर्मिनेशन जो स्टेप है इसके अंदर अब लोग क्या होगा, सॉरी इट्स चैन प्रोपेगेशन स्टेप. इट इज चैन प्रोपेगेशन स्टेप. जो चैन प्रोपेगेशन स्टेप है उसके अंदर रिएक्शन क्या होगा, ये जो फ्री रेडिकल फॉर्म हुआ था हमारा वो हमारे पास जो कंपाउंड है क्या है, मैथेन. मैथेन पे रिएक्शन करता है और ये हमें फिर एक नया फ्री रेडिकल देता है. तो ये नया फ्री रेडिकल हमारा हाइड्रोजन का बन गया. ये फ्री रेडिकल फिर दोबारा दूसरे फ्री रेडिकल, इसको तो मतलब प्रोपेगेशन करना है, कंटिन्यू करनी है, तो ये फिर दोबारा दूसरे फ्री रेडिकल से रिएक्शन करता है और कंटिन्यू ये अभिक्रिया चलती रहती है जब तक कि अभिक्रिया को कोई ऐसा इंट्यूशन नहीं मिलता जब तक कि अभिक्रिया को रुकना है. तो जो थर्ड स्टेप है दैट इज चैन टर्मिनेशन स्टेप. चैन टर्मिनेशन में क्या होगा, अभिक्रिया रुक जाएगी. यानी कि जो भी फ्री रेडिकल अपने बने हैं वो फ्री रेडिकल वापस रिएक्शन करके क्या बना देते हैं, न्यूट्रल बना देते हैं. तो हमारे हम कहेंगे कि हमारी जो अभिक्रिया है वो रुक जाएगी. ठीक है, तो इस टाइप में ये अभिक्रिया हमारी कंप्लीट होती है. तो ये क्या हुआ, सब्स्टिट्यूशन किसका हो रहा है, फ्री रेडिकल का. ठीक है, तो ये हो गया हमारा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. नेक्स्ट है हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा, यानी यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन किसका होगा, न्यूक्लियोफाइल का. तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शन है, जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं, जैसे ये एक अभिक्रिया हमारी CH3Cl plus KOH convert in KCl plus CH3OH. यहाँ देखिए सब्स्टिट्यूशन किसका हुआ, Cl is a न्यूक्लियोफाइल बिकॉज Cl नेगेटिव चार्ज है. तो ये इस पर यहाँ सब्स्टिट्यूट इसकी जगह कौन आ गया, OH आ गया. तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की हम बात करें, ये दो स्टेप में होती है. कौन सी अभिक्रिया, सॉरी ये दो टाइप की होती हैं, एक होता है SN1 और एक होती है SN2. जैसे हमने E1 के अंदर बात करी ऐसे ही ये भी है हमारी एक अणु सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और द्वियोणिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. नाम जैसे लग रहा है आपको एक अणु सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. अब इसमें क्या होता है, कौन देता है, एक अणु देते हैं हमारे सारे टर्शियरी हैलाइड्स यानी तृतीयक एल्किल हैलाइड्स जो हैं वो ये अभिक्रिया देते हैं. इसमें क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में ये दो स्टेप में कंप्लीट, जैसे पिछला हमने देखा तो वही ऐसे ही ये सेम ऐसा ही है. जो SN1 जो रिएक्शंस हैं ये टू स्टेप प्रोसेस है. ठीक है, यानी कि आपका जो रेट डिटरमाइनिंग जो स्टेप है उसके अंदर दो मॉलिक्यूल टेक पार्ट करते हैं. फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, कार्बोकेटायन बनेगा. जैसे हमने कहा कि ये कौन देता है, 3° एल्किल हैलाइड देता है. जैसे मान लीजिए ये है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये बनता है आपके जिसको हम कह रहे हैं स्लो स्टेप. स्लो स्टेप के अंदर क्या हुआ, ये बनाता है आपका CH3CH3, ये बन गया आपका कार्बोकेटायन, ये हो गया फ्री रेडिकल के, सॉरी ये हो गया आपके हैलाइड आयन के रूप में निकल गया. अभी ये स्टेप ये बन गया हमारा कार्बोकेटायन. तो ये जो कार्बोकेटायन है सेकेंड स्टेप में, ये जो कार्बोकेटायन है फिर अब दूसरे इसके साथ जो कार्ब दूसरा जो न्यूक्लियोफाइल है सॉरी इलेक्ट्रोफाइल है उसके साथ में जुड़ेगा न्यूक्लियोफाइल के साथ में. तो ये हमारा बन गया हमारा, ये बना हमारा कार्बोकेटायन और इस कार्बोकेटायन पर दूसरा हमारा कौन है, OH से रिएक्शन हो रही है. तो दूसरा हमारा कौन आया,
न्यूक्लियोफाइल से जुड़कर ये बना देता है हमारा 3 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री बन गया हमारा एल्कोहल। तो इस टाइप में हमारा ये उत्पाद यहाँ पे बन जाता है। तो हमें क्या है, इसकी जो रेट है आप देखिए, तो ये स्लो स्टेप है, ये हमारा जैसे हमारा कार्बोकेटायन बनता है तुरंत ये आपका उत्पाद फॉर्म कर देता है, प्रोडक्ट फॉर्म करता है, दैट इज 3 डिग्री एल्कोहल। रेट किसकी बात करें तो इस देखो स्लो स्टेप के अंदर केवल एक ही ऐसा कंपाउंड है जिस पर ये रिएक्शन डिपेंड कर रही है। हम बात करें CH3 और ये हो गया हमारा इस, तो हमारा जो रेट है वो सिर्फ इसी कंपाउंड पर डिपेंड कर रही है। तो हम इसे कह रहे हैं ये जो अभिक्रिया है SN1 रिएक्शन से। दूसरी बात करें हम लोग SN2 अभिक्रिया, जो SN2 अभिक्रिया है मेनली कौन देता है, वो देता हमारा प्राइमरी हैलाइड्स देते हैं। और इस स्टेप के अंदर यानी कि हमारा जो रेट डिटरमाइनिंग जो स्टेप है वो केवल एक ही स्टेप में कंप्लीट होता है और उसके अंदर दो मॉलिक्यूल पर निर्भर करेगा। अब देखते हैं कैसे, कौन देता है, तो ये अभिक्रिया देता है हमारा प्राइमरी हैलाइड की बात कर रहे हैं हम लोग। तो SN2 रिएक्शन की बात करें, ये हो गई हमारी वन स्टेप प्रोसेस, यानी हमारे इसमें क्या बनेगा, ट्रांजिशन स्टेट बनती है। अब देखो कैसे, CH3Cl ये प्राइमरी हैलाइड हो गया, इस पर पीछे से बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और दो जैसे जैसे इसमें क्या होता है आप देखेंगे कि जैसे जैसे ये OH जो है वो इस सेंटर वाले कार्बन पर अटैक करता है वैसे वैसे ये जो Cl जो इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ था वो इससे सेपरेट होने लगता है। इट मीन्स एक कंडीशन आ जाती है, इसको हम लोग इस तरह दिखा सकते हैं, ये तो ये जो अवस्था बनती है इसे हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। देन जैसे ये ट्रांजिशन स्टेट बनती है और ये स्टेट नेक्स्ट कन्वर्ट हो जाती है अपने तुरंत प्रभाव से अपने उत्पाद में। तो इसमें फिर आप आगे जब हम लोग डीपली पढ़ेंगे एल्किल हैलाइड्स में तब बताएंगे कि ये अभी यहाँ पे क्या बन गया, हमारा उत्पाद बन गया, लेकिन ये उत्पाद भी 2-3 प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है। अभी हम लोग इतना डीपली यहाँ नहीं जाएंगे। तो ये हो गई हमारा SN2 अभिक्रिया, दैट इज। तो हम बात करें, अब देखो यहाँ पे इसका जो रेट है किस पे डिपेंड किया, हम कह रहे हैं कि ये तो वन स्टेप प्रोसेस है, तो ये यहाँ पे स्लो और फास्ट इसका दोनों इस एक स्टेप में है, तो यहाँ पे वन और टू ये डिपेंड कर रहा है, OH पे भी डिपेंड करता है ये, और ये मैथिल हैलाइड पे भी डिपेंड कर रहा है। यानी कि हमारा जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है उसमें दो कंपाउंड जुड़े हुए हैं, दो कंपाउंड है उसमें, तो हम कहेंगे तो ये हो गई हमारी SN2 अभिक्रिया, यानी कि ये अभिक्रिया दो मोलिक्यूल पर डिपेंड कर रही है। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप बताएं, आप जानते हैं सब लोग कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शंस हैं वो मेनली कौन देता है, वो देता है बेंजीन, जो यानी कि एरोमेटिक कंपाउंड में बेंजीन जो है वो आपके मेन रिएक्शंस देता है। अब इसमें हम कैसे होती है रिएक्शंस, तो आपने देखा है कि बेंजीन जो है नॉर्मल हम लोग बताते हैं जैसे कि ये रिएक्शन है हमारी, बेंजीन रिएक्शन करती है HNO3 प्लस H2 कंसनट्रेट H2SO4 के साथ में, तो ये हमारा कंपाउंड देता है फिर आपको नाइट्रो बेंजीन। तो ये रिएक्शन जितनी सिंपल दिख रही है इतनी रिएक्शन सिंपल होती नहीं है। पहले स्टेप में क्या होता है, इसमें यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, तो ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ से आता है, इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन होती है HNO3 और H2SO4 से, इन दोनों की अभिक्रियाएँ होती हैं, रिएक्शंस होती हैं, और हमारे को फॉर्म होता है क्या, हमें क्या मिलता है, NO2+। अब देखिए जैसे इसमें क्या हुआ, इन दोनों ने रिएक्शन करी, HSO3 ये सेपरेट हुआ, देन H2 और NO2। आप देखो यहाँ पे कि ऑक्सीजन के पास क्या हो रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव सेंटर आ रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन दो ही बॉन्ड बनाती है, यहाँ पे ये 3 बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, तो ये बॉन्ड ईजिली यहाँ से टूट जाता है। नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देके नाइट्रोजन सेपरेट हो गया, ये बन गया आपका NO2, दैट इज इलेक्ट्रोफाइल। अब ये इलेक्ट्रोफाइल जो NO2 जो है वो आपकी बेंजीन रिंग पर अटैक करता है। हम बेंजीन रिंग को ऐसे
एक्सप्लेन कर देते हैं. अब देखो, तो ये जो बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये शिफ्ट हो गए इधर, और अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल है वो अटैक करता है. तो यहाँ से जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, अब देखो रिएक्शन मैकेनिज्म में क्या होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन और ये NO2 इस पर अटैक करता है, बन गया हमारा ये कंपाउंड. अब जैसे ये कंपाउंड बनते हैं, इसके बाद इसमें रेजोनेंस होने लगता है, अनुनाद होने लगता है, हिंदी में हम उसको बोलते हैं अनुनाद. अब ये इट मीन्स ये पूरी जो पॉजिटिव चार्ज अभी इस पर आया यहाँ पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये शिफ्ट हुए, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया, ये पॉजिटिव चार्ज पूरी रिंग के अंदर सर्कुलेट होने लगता है. कैसे सर्कुलेट होता है देखिए, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, देन ये चला गया इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो गया ये और NO2 इसकी, ये हम क्या बना रहे हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं. तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अब तो ये जो सारे रिएक्शंस हैं ये हमारी इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है. और आप जानते हैं कि जितना ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, और किसी भी कंपाउंड के अंदर जितनी ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होती है. तो यहाँ हमारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तीन बन रही है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो स्टेप है यानी ये इसकी स्टेबिलिटी को इन्हेंस करता है. हम लोग इसको कंबाइंड फॉर्म में या इसकी हाइब्रिड फॉर्म में स्ट्रक्चर बना सकते हैं. क्या सर्कुलेट हुआ पूरी रिएक्शन पे, पॉजिटिव चार्ज पूरी हॉल बेंजीन रिंग पर सर्कुलेट हो गया. तो ये जो कंपाउंड बनता है, या हम कहें कि ये जो स्टेट बनती है, ये एक इंटरमीडिएट बना, और इसको हम लोग बोलते हैं वीलैंड इंटरमीडिएट, वीलैंड इंटरमीडिएट. और फाइनली ये वीलैंड इंटरमीडिएट अब क्या होता है, अपने हाइड्रोजन को ये रिंग को देखकर यहाँ पे सेपरेट हो जाएगा, और आपका कम बन जाता है प्रोडक्ट. प्रोडक्ट बन गया हमारा नाइट्रो बेंजीन. तो अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रोफिलिक हमने बनाया है, हमने रिएक्शन को इलेक्ट्रोफिलिक बनाया. कैसे बनाया, इलेक्ट्रोफाइल को हमने फॉर्म किया, इस इलेक्ट्रोफाइल ने बेंजीन रिंग पर अटैक किया, बेंजीन रिंग ने क्या किया अपने पॉजिटिव चार्ज को पूरी बेंजीन रिंग पर सर्कुलेट कर दिया, फाइनली प्रोडक्ट बना हमारा नाइट्रो बेंजीन. इस तरह ये हमारी हो गई न्यूक्लियो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस. तो ये हमारा रिएक्शन हुई इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन. अब हम बात कर रहे हैं जो हमारी लास्ट जो रिएक्शन है, दैट इज रीअरेंजमेंट रिएक्शन. रीअरेंज जैसे नाम लगा, रीअरेंजमेंट से क्या समझ रहे हो आप, इट मीन्स सारे जो कंपाउंड, इसमें कुछ ऐसा इसकी अभिक्रिया नहीं है, हम ये कह सकते हैं इसमें जो मॉलिक्यूल हैं उसके ही एटम्स आपस में इंटरचेंज होकर अपना जगह चेंज कर लेते हैं, मॉलिक्यूल के अंदर ही रीअरेंजमेंट हो जाता है. तो वो अभिक्रिया कहलाती है आपका रीअरेंजमेंट अभिक्रिया. ठीक, जैसे एग्जाम्पल हम लें, एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे हम लोग कहें कि CH3, CH2, CH2 और CH3 है, ये AlCl3 और टेम्परेचर 3°100 टेम्परेचर के प्रेजेंट में, ये हमारा क्या है, एन ब्यूटेन है. तो एन ब्यूटेन इसमें मॉलिक्यूल क्या होगा, ओनली मॉलिक्यूल का रीअरेंजमेंट होगा, और मॉलिक्यूल रीअरेंज होके क्या बना सकते हैं आपके, देखो ये बना सकते हैं CH3 CH और CH3 क्या बन गया, 2-methyl propane. तो इसमें क्या हुआ, ना
कोई चीज़ बाहर से आई है कुछ नहीं, सिर्फ मॉलिक्यूल के अंदर ही अरेंजमेंट हो रहा है। तो हमारी जो लास्ट जो रिएक्शंस हैं, जिस हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन बात करें, तो लास्ट की हमारी रीअरेंजमेंट, ये टोटल हमारी अभिक्रियाएँ हो गई। तो थैंक यू।